Krishna 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 Hare 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 Hare अशोक गल्ला की आने वाली सेकंड फिल्म यानी कि देविकी नंदना वासुदेवा जिसके ट्रेलर को अब रिलीज कर दिया, जिसके साथ इस मूवी की न्यू रिलीज डेट भी आउट कर दी गई है। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे देविकी नंदना वासुदेवा मूवी की कंफर्म न्यू रिलीज डेट के बारे में और साथ ही में बात करेंगे इस मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स अपडेट के बारे में भी। सो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देविकी नंदना वासुदेवा जो है अपकमिंग इंडियन तेलुगु लैंग्वेज की फिल्म है, जिस मूवी के अंदर हम सभी को देखने को मिलेगा एक्शन और ड्रामा। और इस मूवी को डायरेक्ट किया है अर्जुन जानदियाल ने और इस मूवी की स्टोरी को दिया है प्रशांत वर्मा ने और इसे प्रोड्यूस किया है बालक कृष्णा एस ने और इस मूवी के अंदर म्यूजिक कंपोज किया है भीम सिसिरोलियो ने। और इसके अंदर हम सभी को लीड रोल में देखने को मिलने वाले अशोक गल्ला, मानसा वाराणसी, देवदत्त नागे जैसे और भी अन्य कलाकार। और अब बात करते हैं देविकी नंदना वासुदेवा मूवी के ट्रेलर के बारे में। सो देविकी नंदना वासुदेवा मूवी के ऑफिशियल ट्रेलर को जो है रिलीज करवा दिया गया है सिर्फ तेलुगु भाषा में, जहां पर आप इस मूवी के ट्रेलर को आदित्य म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हो। और इस मूवी की स्टोरी रिलेट होने वाली है लॉर्ड श्री कृष्णा से। और बताना चाहूंगा कि आज से कुछ दिन पहले जो है एक अपडेट आई थी या फिर एक बज या एक रूमर आया था कि इस मूवी के अंदर हम सभी को टॉलीवुड के सुपरस्टार महेश बाबू का कैमियो अपीयरेंस देखने को मिलेगा एज ए लॉर्ड श्री कृष्णा। लेकिन ये सिर्फ एक रूमर है, इसमें कहीं पर भी कोई भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि अगर इस मूवी के अंदर सुपरस्टार महेश बाबू का कैमियो होता तो इस मूवी के हाइप और इस मूवी का जो क्रेज है वो नेक्स्ट लेवल का हो जाता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, इस मूवी के अंदर हम सभी को सुपरस्टार महेश बाबू का कैमियो जो देखने को नहीं मिलेगा। और बताना चाहूंगा कि हीरो अशोक गल्ला जो है सुपरस्टार महेश बाबू के नेफ्यू हैं। बात करते हैं मूवी की न्यू रिलीज डेट के बारे में। सो देविकी नंदना वासुदेवा मूवी जो है पहले तो रिलीज करवाई जाने वाली थी 14 नवंबर को 2024 में सिनेमाघरों में, लेकिन फ्रेंड्स अब इस मूवी की रिलीज डेट को लगभग एक वीक आगे पोस्टपोन कर दिया है और अभी मूवी रिलीज की जाएगी 22 नवंबर को 2024 में ही। और इस मूवी को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा, जहां पर इस मूवी को अभी के लिए केवल तेलुगु लैंग्वेज में ही रिलीज किया जाएगा, जहाँ पर ये मूवी तेलुगु मार्केट में क्लेश करने वाली है मैकेनिक रोकी से और जीब्रा से, जो की रिलीज होने वाली है 22 नवंबर को 2024 में सिनेमाघरों में तेलुगु भाषा में। और देविकी नंदना वासुदेवा मूवी की जो ओटीटी के राइट्स हैं तेलुगु वर्जन के, उनको खरीदा है आहा ने। और इस मूवी के जो हिंदी डबिंग के राइट्स हैं उनको खरीदा है आरकेडी स्टूडियोस ने। तो ये फिल्म जो है हम सभी को थिएटर रिलीज के बाद हिंदी डब्ड वर्जन में जल्दी देखने को मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, आने वाले टाइम में देविकी नंदना वासुदेवा मूवी से रिलेटेड कोई और भी अपडेट मुझे मिलती है तो मैं आपको आने वाली वीडियोस में जरूर बताऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे भी सिलेक्ट कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपसे फिर से किसी नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।